पिछली वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पार्टिकुलर इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। यानी वह प्रोनाउन जी जो किसी भी पार्टिकुलर पर्सन और बस यानी थिंग्स यानी वस्तु को इंगित नहीं करता है, उसे ही हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, दूसरे प्रकार से हम परिभाषा देखना चाहें तो समवन कह सकते हैं, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। कहने का मतलब ये जो प्रोनाउन होता है किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स को व्यक्त नहीं करता है। समवन कोई भी एक हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, उनको इंगित करता है तो उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और ये जो वर्ड है समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सारे वर्ड एज अ सिंगुलर नंबर यूज होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी दीज वर्ड आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। और ये सारे वर्ड उपर्युक्त ऊपर दिए गए सारे वर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं। यानी दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर पर्सन इन अ सेंटेंस। यानी किसी भी वाक्य में ये सारे किसी पर्सन को बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उसी प्रकार नंबर सेकेंड आप देख लेते हैं, जैसे अभी हमने पर्सन के लिए देखा है कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, उसी प्रकार थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए भी वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एटसेट्रा आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। और ये सारे वर्ड वस्तुओं को शो करने के लिए यानी थिंग्स को शो करने के लिए यूज होते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर थिंग्स। दूसरी चीज एक और देख लेते हैं, थर्ड, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर सम आए, मोस्ट आए, एनी आए, आल, फ्यू, वन एट्सेट्रा, तो इसे भी हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। और ये सारे वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जहाँ जैसा यूज है उसके अकॉर्डिंग यूज किए जा सक जाते हैं। यानी दीज वर्ड्स आर यूज्ड
अकॉर्डिंग टू, सेंटेंस सेंस एंड नेचर, यानी सेंस के अनुसार किसी भी सेंटेंस में उसकी प्रकृति को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे समवन आर वेटिंग फॉर यू। नंबर सेकेंड, समवन हैज टोल्ड दिस स्टोरी। नंबर थर्ड, नथिंग और इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अब तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं राइट है कि रॉन्ग है। पहला एग्जाम्पल है समवन आर वेटिंग फॉर यू, जबकि ये सारे वर्ड जो हैं एज अ सिंगुलर नंबर यूज होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज है, इसलिए एग्जाम्पल गलत होगा। यहाँ पे ईच हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है समवन हैज टोल्ड दिस स्टोरी, यहाँ पे सिंगुलर नंबर के रूप में यूज है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज है, इसलिए राइट होगा। थर्ड एग्जाम्पल है नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इसमें भी ये हमारा नथिंग जो है एज अ सिंगुलर यूज होता है इन अ सेंटेंस, जबकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज है, इसलिए ये सेंटेंस भी ऑलमोस्ट रॉन्ग होगा। तो इस वीडियो में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे।